हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग अभी पढ़ रहे थे फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनिटी। जो एप्लीकेशन था होमोजेनिटी का वही हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो एप्लीकेशन था, यूज था, उसी को पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग उसका एक यूज देखे थे। वो हम लोग का क्या यूज, क्या उसमें हम लोग देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे ना कि कोई भी इक्वेशन है, जो भी फिजिकल इक्वेशन है, उसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, रियल में वो फिजिकल इक्वेशन सही है या गलत है, वो हम लोग चेक किए थे। आज हम लोग उसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। दूसरा एप्लीकेशन क्या, कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन को डेराइव कैसे करते हैं। वही लिखा हुआ है कि डेराइविंग रिलेशन एमोंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर हम लोग जो एक इक्वेशन डेराइव करते हैं, उसको हम लोग कैसे डेराइव करेंगे वो देखिए। उसके लिए हमको क्या क्या चीज जरूरी रहता है। सबसे पहले आप लोग को एक क्वेश्चन दिया रहेगा, वो दिया हुआ रहेगा ना कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला कुछ होता है, वो दिया रहेगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको एक फॉर्मूला के रूप में दीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन से ही डायरेक्ट इसको शुरुआत करेंगे और उसी से बनाते बनाते देखेंगे, सब में सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा। बोल रहा है क्या कि लेट अस ऑप्टेन एक हम लोग को कुछ निकालना है, वो क्या, एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपेटल फोर्स। हम लोग को सेंट्रीपेटल फोर्स का एक हम लोग को निकाल देना इक्वेशन कि सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर क्या होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब कि ये फोर्स है जो आप लोग देखे होंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ, जो मोड़ होता है, जहां ढलान होता है, जहां मुड़ान होता है, वहां पे देखिएगा कि साइकिल झुक रहा है। और देखिएगा कि मौत का कुआं में क्या आप लोग देखे होंगे कि गाड़ी गोले गोले घूम रहा है, तो वो सब यही सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते ही वो सब काम होता है। वो सब फिजिक्स का एक अलग दुनिया है, वहां तक अगर पहुंचेंगे तो फिर बताएंगे आपको, लेकिन ये क्या है पहले इसको समझते। बोल रहा है कि एक हम लोग को सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन निकालना है, सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन निकालना है, और वो रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी, एक बॉडी को मूव करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरी होता है, और वही सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर क्या होता है वही निकालने के लिए बोलता है। और आगे पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, लेट अस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास एम, ऑफ बॉडी का मास कितना है एम है, विथ वेलोसिटी कितना है वेलोसिटी भी, वेलोसिटी से वो जो जितना बॉडी का मास है वो भी वेलोसिटी से घूम रहा है, एंड भी वेलोसिटी से घूम रहा है इन सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस दिया हुआ, मतलब कि कोई एक बॉडी है उस वो एक भी वेलोसिटी से कोई एक सर्कल में घूम रहा है, उस सर्कल का रेडियस क्या है आर है, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स, उस सेंट्रीपेटल फोर्स के चलते घूम रहा है, तो आखिर उस सेंट्रीपेटल फोर्स उसमें कितना लग रहा है उस बॉडी पर ताकि वो सर्कल में गोले गोले घूम रहा है, वो हम लोग को इसमें दिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोला था, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या क्या पे डिपेंड कर रहा है वो पहले देखते हैं, क्या क्या पे, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, यही तो दिया है, इसके अलावा थोड़ी ना दिया। आप लोग जो भी देगा वो क्वेश्चन में दे देगा कि ये फिजिकल इक्वेशन बनाना और ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सा अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वो आप लोग को क्वेश्चन में दे देगा। जैसे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन में भी वो दे देगा कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है वी माइनस यू बटा टी, मतलब उसमें वेलोसिटी भी होता है और टाइम भी होता है, तो उस पर डिपेंड करता है, तो वो सब आपको क्वेश्चन में दे देगा। और एफ बराबर एम ए कैसे होता है वो भी हम निकालने के लिए दे देगा। तो इस टाइप का देखिए क्वेश्चन आप लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द सेंट्रीपेटल फोर्स एफ, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछेगा उसको लिखते हैं, सॉल्यूशन सबसे पहले लिख देते हैं, यहां लिखते हैं लेट द सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसे लिख दे रेसिपी, लेट द सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन क्या क्या पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और क्या पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ये लिखिएगा आप लोग, ठीक। तो देखिए जैसे जैसे ये डिपेंड कर रहा है वैसे, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स को हम लोग क्या एफ से डिनोट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जहां। और सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो
जिस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी को उसको हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कि ये हम लोग का फोर्स है, ये फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी फिजिकल इक्वेशन, जब भी एक रिलेशन डिराइव कीजिएगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच, तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेना है। तो यहाँ एफ इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, एम वी और आर का, मतलब मास का, वेलोसिटी का और रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसके बाद क्या करना है, जिस पे डिपेंड हो रहा है उसके ऊपर माथा पे क्या लिख देना है, ए लिख देना है, बी लिख देना है, सी लिख देना है। ये क्या है हम लोग का कॉन्स्टेंट है, ए बी सी, जैसे जैसे प्रोसेस बता रहा है वैसे वैसे। सबसे पहले क्या करना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको लिख देना है किस पे डिपेंड है उस वो लिख देना है, और उस फिजिकल क्वांटिटी को जो डिपेंड जिस पे डिपेंड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेना है। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या करना है कि जिस पे डिपेंड है उसके माथा पे ए बी सी, जितना फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड रहेगा उसके माथा पे क्या लिख देना है, ए बी सी डी, ऐसे लिख देना है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक हम लोग का कॉन्स्टेंट आता है उसको, ऐसे भी देखे होंगे कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक हम लोग को कॉन्स्टेंट आता है, उसको हम लोग के का नाम दे देते हैं के। अब एम ए वी बी और आर सी, इतना हो गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं, एफ बराबर क्या, के एम ए वी बी और आर सी, इसको हम लोग क्या देते हैं यहां से फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। और देखिए ये तो के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है इसका मतलब क्या, के डायमेंशनलेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा के का, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिए है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या वैल्यू होगा नहीं वैल्यू होगा वो बाद में पता चलेगा, पहले डिराइव तो हो जाए। इतना हो गया। अब देखिए सेकंड यहां तक हो गया, इसके बाद क्या करना है कि इसका डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन देखिए सबसे पहले फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन बताए थे हम एम एल टी माइनस टू, पिछला वीडियो में देखिएगा वहां पे हम अच्छा से डिराइव करके बताए, तो उतना सब हम डायमेंशन अब डिराइव करके लिखेंगे ना, डायरेक्ट डायमेंशन लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम डायमेंशन लिखते हैं, फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक, इसको बड़ा ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर के तो यूनिट लेस होगा क्योंकि सॉरी डायमेंशन लेस होगा क्योंकि के कॉन्स्टेंट है। इसके बाद क्या बचा, ए बचा, ए का लिखते हैं, सॉरी एम, एम मतलब मास, मास का लिखते हैं। एम क्या होगा, वन होगा, लेंथ तो इसमें है नहीं तो लेंथ क्या होगा, जीरो होगा, टाइम भी नहीं है तो टाइम भी क्या होगा, जीरो होगा। ब्रैकेट बंद करते हैं, इसके ऊपर क्या है, ए है, लिख देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर ब्रैकेट बंद होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी में लेंथ और टाइम यानी मीटर पर सेकंड होता है तो लेंथ और टाइम का जिक्र होगा। तो एम यहाँ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा जीरो, एम जीरो, एल क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, टी, टी क्या होगा, माइनस वन, और इसका माथा पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बी, ये बी है, और आर बचा, आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस का क्या होगा, खाली मीटर होगा, एल होगा, एम होगा जीरो, एल होगा वन, सॉरी एल होगा वन, एल जीरो नहीं होगा, टी जीरो होगा, टी होगा जीरो, और इसके माथा पे यहाँ क्या होगा, सी हो। अब देखिए अब ये साइड जितना इतना बड़ा है इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। आप लोग एक मैथ में पढ़े होंगे कि अगर ए का बराबर एम इंटू ए का बराबर एन होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए का बराबर एम प्लस एन, ऐसे लिखते हैं। तो ये सबका पावर में हम गुना कर देते हैं, ए को इसके साथ गुना करते हैं, इससे जीरो जीरो, अपना तो सब जीरो ही हो जाएगा। अब एक स्टेप और देखिए आगे बढ़ जाते हैं, शॉर्ट नहीं मारेंगे, एम एल टी माइनस टू, ये होगा बराबर, यहाँ क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना क्या करते हैं, एम का क्या होगा, यहाँ ए हो जाएगा, एम का पावर ए हो जाएगा, एल का पावर क्या होगा, जीरो ही होगा, टी का पावर भी क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, एम का पावर सॉरी एम का पावर यहाँ जीरो होगा, एल का पावर क्या होगा, बी होगा, टी का पावर क्या होगा, यहाँ माइनस बी होगा, क्यों, क्योंकि माइनस वन इंटू बी होगा तो माइनस बी तो होगा, और इसमें क्या होगा, एम का पावर जीरो होगा, एल का पावर क्या होगा, सी होगा, टी का पावर भी जीरो होगा। अब देखिए जब इतना हो गया, इतना के बाद अब देखिए यहाँ एम है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो एक स्टेप और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को यहाँ क्या मिलेगा, एम का पावर हम लोग को क्या मिलेगा, ए मिला, ए, क्योंकि एम है, एम है, एम है, और हम क्या बोले, देखिए यहाँ ए ए ए ए था और बीच में क्या था, गुना है, तो जो उसका पावर है उस पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वही किए, एम के पावर ए है, यहाँ एम के पावर जीरो है, एम के पावर जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ एम के पावर ए,
ए प्लस जीरो प्लस जीरो, तो एम के पावर ए ही तो बचेगा जी, समझिए बात को। इसके बाद क्या है, एल है, एल के पावर जीरो है, यहाँ एल के पावर बी है और एल के पावर सी है, तो जीरो प्लस बी प्लस सी मतलब एल के पावर क्या होगा, बी प्लस सी होगा, क्योंकि जीरो प्लस बी प्लस सी तो एल के पावर बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ। अब क्या बचा, अब बच रहा है सी, सी सॉरी टी, टी देखते हैं, टी के पावर जीरो, टी के पावर माइनस बी, टी के पावर जीरो, तो मतलब टी के पावर क्या होगा, माइनस बी। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इधर जो है अपना लिख देते हैं एम एल टी माइनस टू, इतना हो गया। अब देखिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है सो देखिए, यहाँ देखिए यहाँ था एम एल टी माइनस टी, लिखते हैं एम एल टी माइनस टू, लिखते हैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट से बंद करते हैं, बराबर क्या हम लोग लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं एम के पावर ए एल के पावर बी प्लस सी टी के पावर माइनस बी, लिख दिए इतना लिख दिए। अब देखिए अब इसको थोड़ा हटाते हैं, अब देखिए बोथ साइड कंपेयर करते हैं, बोथ साइड कंपेयर करके जो हम लोग का ये ए बी सी है ना, इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एम को एम के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ एम का पावर कितना है, वन है, एल का पावर कितना है, वन है, एम के पावर वन और एम के पावर ए से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एम को एम से कंपेयर करेंगे, एल से कंपेयर करेंगे, टी को टी से कंपेयर करेंगे। जब एम को एम से कंपेयर करेंगे तो ए बराबर हम लोग को यहाँ से क्या मिला, वन मिला। अगर एल को एल से कंपेयर करेंगे तो देखिए पावर क्या है, यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ बी प्लस सी बराबर किसके बराबर होगा, यहाँ देखिए वन के बराबर, वन के बराबर। अब टी को टी से कंपेयर करेंगे, टी के पावर कितना, माइनस बी बराबर यहाँ क्या है, माइनस दो, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हुआ, तो बी बराबर क्या हम लोग को मिला, दो। अब लिखिए देखिए ए बराबर हम लोग को क्या मिला, वन, बी बराबर हम लोग को क्या मिला, टू, अब बचा सी बराबर, तो सी यहाँ से निकल जाएगा, तो सी बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, वन माइनस बी, मतलब सी बराबर क्या, वन माइनस बी बराबर टू, मतलब सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन, ये हुआ। अब देखिए ये ए का भी वैल्यू निकल गया, बी का भी वैल्यू निकल गया और सी का भी वैल्यू निकल गया, जितना स्टेप बताएं सब स्टेप ध्यान में रखिएगा ना तो भूल जाइएगा, सच बता रहे हैं भूल जाइएगा। अब देखिए ए बी सी का जो वैल्यू था उसको हम लोग यहां लिखते हैं, यहाँ देखिए एफ बराबर हम लोग का ये था ना फर्स्ट इक्वेशन, हम लोग अब ए बी सी का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, लिखते हैं क्या कि वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, एफ बराबर कि अपना कांस्टेंट रहेगा एम ए की ए के पावर कितना है, एम ए बराबर कितना है, वन, भी के पावर बी था, बी बराबर कितना है, बी बराबर टू है, और आर आर के पावर सी था, तो सी बराबर कितना है, वन है। तो देखिए यहाँ एफ बराबर क्या हम लोग को मिला, के एम भी स्क्वायर, आर के पावर माइनस वन है, इसको नीचे ले आते हैं आर, तो एक हम लोग को नया फॉर्म मिल गया, एफ बराबर के एम भी स्क्वायर बट्टा आर, और के का वैल्यू अपना कांस्टेंट रहेगा, उसको वैसे ही छोड़ देना, और यही है हम लोग का क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला। देखिए एफ बराबर क्या हो गया, के एम भी स्क्वायर बजाय के का वैल्यू वन होता है, लेकिन इसको निकालना नहीं है, इसको बस छोड़ देना है वैसे ही, तो हम लोग को क्या मिल गया, एफ बराबर के एम भी स्क्वायर बाय आर, यही है विच इज रिक्वायर्ड, यही है हम लोग का एक्सप्रेशन है, यही हम लोग का क्या है इक्वेशन, यही हम लोग का क्या फॉर्मूला है। इसी तरह से और बहुत सारा मिलेगा, और बहुत सारा मिलेगा, आप लोग हो सके तो प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर नहीं हो आप लोग के पास क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए ये हम आप ही लोग के लिए करते हैं, अगर आप लोग नहीं सीखिएगा, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मेरा क्या फायदा होगा, मेरा बताने का क्या फायदा होगा, हम किसी को सिखाने का मकसद से बता रहे हैं, हम खुद का मकसद से नहीं बता रहे हैं, ऐसा सोच के बता रहे हैं कि आप लोग कुछ सीखें। प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, हम समझते हैं क्योंकि हम उसी लाइन से गुजर चुके हैं, क्या प्रॉब्लम आता है ना वो सब जानते हैं, कहीं कोई स्रोत नहीं मिलेगा पढ़ने का, कोई पढ़ाने वाला फ्री में मिलेगा नहीं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सोल्व कीजिए, न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए ताकि दिमाग खुले। ठीक है, बस आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा, अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन, हो सकता है तो करेंगे, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये टाइम टेकन क्वेश्चन है थोड़ा सा, और फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा आप लोग को, एक से दो
एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, और वो क्वेश्चन खूब से खूब 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसलिए जितना भी बताया उतना कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसे स्टेप वाइज बताया वैसे स्टेप वाइज बना के एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे इसको। ठीक है, बस इतना ही तो रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा या डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ जरूर कीजिएगा, लाइक या डिसलाइक कुछ जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।